आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेगुलर वाले खीरे से बहुत ही टेस्टी चटपटी एकदम यूनिक सी रेसिपी। रोज रोज खीरे का रायता और सलाद खा खा के बोर हो जाए और गर्मियों में कुछ अलग सा खाने का मन करे तब आप बनाएं खीरे के बहुत ही टेस्टी चटपटे क्रिस्पी से कटलेट्स। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया लुकवाइज देखने में, बनाना भी इन्हें उतना ही आसान है, झटपट आप इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खीरे के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से कटलेट्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए तीन मैंने लिए हैं खीरे। अब ये जो हमने खीरे लिए हैं इनका ऊपर वाला साइड हम कट कर देंगे। आप चाहें तो खीरे को टेस्ट भी कर सकते हैं कि खीरा आपका कहीं कड़वा ना हो। ऐसे ही सभी का ऊपर वाला पार्ट कट कर लेंगे। अब ये मैंने लिया है रेगुलर वाला ग्रेटर, तो हम ककड़ी को ग्रेट करेंगे। आज मैं ककड़ी को छिलके के सहित ग्रेट करने वाली हूँ और अगर आप चाहें तो छिलके भी ग्रेट कर सकते हैं। खीरे को हमने ग्रेट कर लिया है तो खीरे में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले इसका हम मॉइस्चर रिलीज करेंगे। ये मैंने लिया है एक बड़े साइज का बाउल। अब इसके ऊपर आपको इस तरीके का कॉटन का कपड़ा डालना है और ये जो हमने खीरे को ग्रेट करके रखा है इसे रख देंगे। अब इस तरीके से कपड़े को आपको सब तरफ से पकड़ना है और दबाते हुए खीरे में से पूरा मॉइस्चर निकाल लेना है। बहुत ही हेल्दी होता है ये खीरे का पानी, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। आप चाहें तो इसे सब्जी बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं या फिर इसे आटा भी गूंथ के तैयार कर सकते हैं। खीरे को हमने वापस से बाउल में डाल दिया है तो अच्छे से अलग अलग कर देंगे इसे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मैंने ली है प्याज। प्याज को एकदम फाइन चॉप करके लिया है। दो हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हैं। आधा कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। बहुत ही क्रिस्पी इससे नाश्ता बन के तैयार होगा। आधा कप बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो बेसन की जगह पे गेहूं के आटे से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला। बहुत ही टेस्टी चटपटा इससे नाश्ता बनके तैयार होगा। आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आज मैं इस नाश्ते को थोड़ा तीखा चटपटा बनाने वाली हूँ। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च और चिली फ्लेक्स दोनों का यूज़ किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। दो टेबलस्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे खीरे के साथ में। हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता खाने में, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए खीरे के मॉइस्चर से ही ये डो की तरह तैयार हो रहा है। अभी मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। इसे मैंने एक डो की तरह तैयार कर लिया है और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए इस तरीके का डो आपको तैयार करना है। और अगर आपका डो ज़्यादा गीला है तो आप इसमें एक दो टेबलस्पून बेसन और ऐड कर सकते हैं या फिर चावल का आटा। नाश्ता बनाने के लिए डो हमारा एकदम तैयार है, तो हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है जिससे कि ये डो हाथों में चिपकेगा नहीं। इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है आपको। अच्छे से पहले बाइंड करना है और एक शेप दे देना है। आज मैं इसे टिक्की शेप में बनाने वाली हूँ। आप अपने पसंद के किसी भी शेप में बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके बड़े साइज़ के पेनकेक भी बना सकते हैं। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया देखने में लुक वाइज। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। दूसरे हाथ में रखना है और टिक्की का शेप दे देना है। आप चाहें तो इसकी छोटी छोटी बॉल्स भी बना सकते हैं। ऐसे ही सभी नाश्ते को पहले बना के तैयार कर लेंगे। सभी नाश्ते को हमने बना के तैयार कर लिया है, तो आज मैं इसे सैलो फ्राई करने वाली हूँ। एकदम कम ऑयल में आज हम इस नाश्ते को बनाएंगे और अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली प्रोसेस की तरफ। अब गैस के ऊपर मैंने रखा है पैन। पैन में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल।
ऑयल को अच्छे से फैला देंगे पैन के ऊपर। एक छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई, एक छोटी चम्मच वाइट वाले तिल। एक सेकंड के लिए चला देंगे और पैन में सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। राई को हमें अच्छे से चटकने देना है। राई भी हमारी अच्छे से चटक चुकी है, तब ये जो हमने कटलेट्स तैयार किए हैं उन्हें रख देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है और एक बार में जितने आएंगे उतने ही रख के सेलो फ्राई करेंगे। अब एक साइड से कटलेट्स को हमें 2 मिनट के लिए सिकने देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे जिससे कि कटलेट्स हमारे अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। 2 मिनट हो गए तो एक बार सभी कटलेट्स को पलटा देंगे। दूसरे साइड से भी 2 मिनट के लिए कटलेट्स को हम लो फ्लेम पर सिकने देंगे। कटलेट्स को हमने दोनों साइड से हल्का गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं लुक वाइज देखने में। एकदम पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए निकाल लेंगे इन्हें। वो ऐसे ही अपने बाकी बचे हुए कटलेट्स को भी सेक लेंगे। खीरे की बहुत ही टेस्टी चटपटी यूनिक सी रेसिपी हमारी तैयार है, तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।